ये से ट्रेन में 340 सर। वाला सोर्स पे दबा कर किसी पास बॉलिंग मान रहा है। सबसे पहले तो सर जी, जब भी कभी कंसोलिडेशन का प्रश्न करें आप लोग, जो मुझे लग रहा है बगैर ईवीएम के शुरू कर देते हैं उसका तो फिर कोई फायदा नहीं। एक तो पेज नंबर 317 इम्पोर्टेंट है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एक नजर उसका रिवाइज करें। वॉल्यूम वन में कंसोलिडेशन के वाले से बता रहा हूँ, देन उसके बाद पेज नंबर 302 है, पेज नंबर 302, 303, 304, फिर 307, 308, 302, 3, 4, 7, 8। मतलब पहले ये तो रिवाइज करें ना कि मतलब जो चीजें पढ़ी हुई हैं, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन, अनवाइंडिंग, बच्चे कौन सी कौन, शेयर प्राइस कौन सी लेनी है, एक्विजिशन डेट पे लेनी है, बाद में लेनी है, ये जब क्वेश्चंस में चीजें आ रही हैं तो आपके फिर जहन में होता नहीं है। देन कंटिंजेंट कंसिडरेशन की एक स्टोरी थी पेज नंबर 308 पे, इसके एग्जांपल्स भी थे, इसके अगले अगले क्वेश्चन भी थे। देन फिर पेज नंबर 317, बाकी मैं अज्यूम कर रहा हूँ पिछली चीजें तो कुछ ना कुछ जहन में रहेंगी, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो मतलब जो मैंने कल परसों क्वेश्चन कहा था सैटरडे को, उसमें मेरे ख्याल मैक्सिमम चीजें आई हैं यहाँ से। जब भी कभी अटेम्प्ट करें पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिएगा ना, ऐसे रेंडमली क्वेश्चन करेंगे बहुत सी चीजें पुरानी जेन भी रहेंगे, ऐसे परेशान भी होंगे। कल ये तो वैसे मेरे कल मुझसे एक दो लोगों ने क्वेश्चन किया था तो मेरे जेन में आया था 340 पेज पर। बाकी वो कहाँ पहुंचा है कंसोलिडेशन का सवाल तो होगा ना सबका, पेज नंबर बता दें कौन से पेज पर सवाल की बात कर रहा हूँ। हमने ये सर सोचा हुआ था कि आज हुआ नहीं है, पेज नंबर 340 निकल, पेज नंबर 340 पे एक शेप लीजिंग का क्वेश्चन है, इसमें बाकी तो मेरा कोई मसला नहीं है। अगर इसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ा करो, ये देखिए वो ना क्वेश्चन, ये पढ़े जरा कोई पॉइंट नंबर 2। परचेज ऑप्शन है ये, क्वेश्चंस में कहीं लिखा होता है रीजनेबली सर्टेन है, कहीं नहीं लिखा होता। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर आपने कंसिडर किया इसे अज्यूम करके, अगर अदरवाइज जैसा कॉल में कल था रीजनेबली सर्टेन नहीं है फिर नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो आगे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द रीस्कम द वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी 3 लाख, तो 1 लाख तो आप ले लेंगे अपनी वर्किंग्स में, बाकी 2 लाख का क्या करेंगे। तो हम एक पेज निकालें जिस पेज पर हमने वो लीज पेमेंट से डिस्कशन की थी, पूरा पेज लेसी लेसर के एंगल से बना था। देखें जब परचेज ऑप्शन है ना तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, और फिर उस केस में कोई जी आर बी वर भी नहीं है, इट मींस बाकी 2 लाख फिर अब इग्नोर होगा। लेकिन अगर ये जी आर बी होती फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर में लिखा होता 1 लाख गारंटी रेजिडुअल वैल्यू है, तो फिर बाकी 2 लाख क्या होना था, फिर अनगारंटीड होना था। लेकिन अगर परचेज ऑप्शन है तो व्हाट डज इट मींस, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, इट मींस लेफ्ट साइड आपके पेज की, और अगर लेफ्ट साइड है तो फिर यहाँ पे कोई जी आर बी यू आर बी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट जेन में रखना, देन ठीक है इग्नोर ही किया हुआ ना इसे, तो क्यों इग्नोर किया हुआ, अगर क्या होता तो फिर ना करते।
नहीं, परचेज ऑप्शन है, परचेज ऑप्शन कहीं से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, नहीं बाय पेइंग 1 लाख एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, और उसके बाद फिर 2 लाख रेलिवेंट हो जाना, वो ना लेसी ने देना है ना लेसर को मिलना है, क्योंकि एसेट तो लेसी के पास ही चले जाना है। लेकिन अगर यहीं परचेज ऑप्शन की जगह ग्रंटेड रेजिडुअल वैल्यू है तो बाकी जो 2 लाख का फिर वो अनग्रंटेड रेजिडुअल वैल्यू हो जाना। लेसर इज एक्सपेक्टिंग 3 लाख मिलेगा, लेसी ने अगर 1 लाख की ग्रंटी दी है तो बाकी 2 लाख के जीआरवी के तौर पर लेसर ने कंसिडर करना। ठीक है, तो एक तो इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखेगा। दूसरा फिर क्वेश्चन नंबर 12A मैंने कहा था, 12A में वैसे तो कोई आई होप के मसला नहीं है, यह है उसकी रिकंसिलेशन पर बस एक छोटा सा मसला, बताइए कि सर एक मिनट निकाल के रखेंगे सामने। वैसे करेंगे यार, टेबल देखते ये करंट नॉन करंट पोर्शन कैसे करते हैं, अगर रिकंसिलिएशन बना रहे हो तो करंट नॉन करंट पोर्शन कैसे आता है, टेबल देखिए आता है। जिस डेट पे आप होते हैं उससे अगला जो रेंटल के प्रिंसिपल है वो करंट पोर्शन है, उससे अगला जो है वो उससे जो बैलेंस में टोटल आ जाएगा वो नॉन करंट है। इसकी तरह रिकंसिलिएशन एक मिनट में कर लीजिएगा। ठीक है जी, कितने थे ऑनवर्ड सेंटर, गिनते थे गिनते, फाइव ही थे। इसमें जीआरवी नहीं थी, देखे सवाल साथ रखना। हाँ जी, एक 10,000 दिया हुआ था उसका, बताया हुआ था शायद अनग्रंटेड है, तो यू आर वी इज नॉट पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स, तो मेच्योरिटी एनालिसिस में तो नहीं आई। ठीक है सर, फिर 10,000 ऐड हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन गई 192, फ्यूचर की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक इशू ये था कि ये रेंटल्स ना एडवांस में थे, तो अनअर्नड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जरा टेबल देखा गया। आपका ईयर एंड है 30th जून, बताइएगा ईयर एंड 30th जून 5 है, 30th जून 5 है। ये जो इंटरेस्ट है 12163 टेबल में जो पहला इंटरेस्ट है, ये रिसीव तो नहीं हुआ लेकिन अर्न हो गया, आपने इसकी एंट्री की होगी, एंट्री से कौन सी नहीं की होगी, जरा देखा ये रिसीव नहीं हुआ लेकिन अर्नड है। तो जब आप अनअर्नड फाइनेंस इनकम लिख रहे हैं तो वो फिर ये 10216 से शुरू होगी, ऐसे ही है ना सर, यहां से लेकर फिर यहां तक का टोटल बना है 28301। 12163 क्यों नहीं दिया, वो अर्नड है नॉट रिसीव है, अर्नड है वो, अनअर्नड नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर अब ये हुआ है कि आपका जब आंसर आया नेट इन्वेस्टमेंट का, तो जब आप रिकंसाइल करेंगे तो सॉल्व होगा किसी को, ये 164199 बना हुआ, और ये डेफिनेटली किससे मैच होना चाहिए था, बोलनी है फिगर 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 फिगर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, टेबल देख के बताएं। हिम्मत नहीं सर, और नहीं यार, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट टेबल पढ़े, टेबल पढ़े, ईयर एंड क्या 30 जून 2005 का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, नहीं यार ना कर यार, ये तो बचपन वाली मिस्टेक है यार, ना कर 188 तो शुरू में था, 12769 कब होगा, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे जब पहला रेंटल पे होगा, 152036 किस दिन हो गया था, किस दिन हो गया था, 1st जुलाई 4 पे, और कब तक एज इट इज रहा है, यही क्लोजिंग बैलेंस है, तो इससे मैच होना चाहिए था, 152036 है द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, लेकिन इससे मैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब जो आपकी
इंटरेस्ट की अमाउंट है ना, वो भी रिसीवेबल हुई है, मतलब इंटरेस्ट भी रिसीवेबल हुआ हुआ इन एडिशन टू द प्रिंसिपल रिसीवेबल। तब अगर आपकी फिगर मैच होनी है तो जरा इसकी ब्रैकेट देखें, जरा अपने मैंने आंसर वैसे खोले मैं, या चले आप थोड़े बाद में बनाइएगा कंप्लीट कीजिएगा, कैलकुलेटर पकड़ेगा। 152036 इसमें 12163 नहीं, ये क्या, ये क्या किया मैं प्रिंसिपल के साथ, नहीं नहीं करंट पोर्शन नहीं है, ध्यान दे गुस्सा ही है, प्रिंसिपल रिसीवेबल के साथ साथ ईयर एंड पे इंटरेस्ट रिसीवेबल भी शामिल हुआ है। असल में ये अमाउंट 12163 जो है ये मिली नहीं है, अर्न हुई हुई है। इसे अगर आप अनअर्न में लिखते हैं वो सही नहीं है लिखना, अगर इसे अनअर्न में शामिल कर लें फिर आपका प्रिंसिपल मैच कर जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उसमें शामिल होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अब ये अनअर्न नहीं है। तो इन केस ऑफ एनी इनकम विच हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव, फिर आपकी ये जो नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के रिकनसाइल हो, बस ये मैं बता रहा हूँ। आपने जब मेरे साथ पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 12, उसमें रेंटल थे एरियर्स में, जरा ढूंढे जरा रेंटल एरियर में होने का मीनिंग क्या था, अर्न के साथ रिसीव हो गया, उसमें फिर देर पर सिर्फ प्रिंसिपल ही रिसीवेबल रह गया था, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल के साथ साथ एक इंटरेस्ट भी रिसीवेबल हुआ हुआ रिसीव ना होने की वजह से, तो इस वजह से ये फिर फिगर आपकी मैच नहीं कर रही। और इन अदर वर्ड्स ये मैच किससे कर रही है, प्रिंसिपल 152 एंड प्लस इंटरेस्ट विच हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव, उसको मिला के ही बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसको कहीं एक नजर जरा दोबारा इतना देख लीजिए, ये लेकिन ये प्रॉब्लम उसमें नहीं है और इसमें क्यों है, वो एरियर्स और एडवांस होने की वजह से कुछ इनकम अर्न एक्स्ट्रा हुई हुई जिसको आपने फिर अक्रू किया, ठीक है। देन उसके बाद एक पोल था, पोल का पेज नंबर बता रहे, कौन तो मेरे को डिस्कस हो गया सारा, उसमें तो नहीं अभी उसमें एक्सट्रैक्ट्स वगैरह बना लिए। बाकी आप बता देंगे किसी क्वेश्चन में इश्यू रह गया, जान लें स्टूडेंट्स आपका तो नहीं मसला रहेगा। अच्छा समटाइम्स इन आंसर्स के नीचे वो करंट नॉन करंट नहीं बना हुआ, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप बना लेंगे खुद ही, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक रिकंसिलिएशन है, जरा ट्राई करें बोलने की बगैर देखें। टोटल रिसीवेबल नहीं, मतलब क्या हेडिंग है उसको, बनना तो ऑनवर्ड्स आई होप के वो तो पता है आपको, टोटल रिसीवेबल आगे एड एंड गारंटी रिसीवेबल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स आगे एंड फाइनेंस इनकम लेस करके नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और उसके बाद फिर करंट एंड नॉन करंट पोर्शन। तो एक दफा कंटी अभी अगर भी क्वेश्चन में आएंगे एक दफा अपने जरा हाथ से भी बनना चाहिए। चले वो कुछ क्वेश्चन हो रहे थे पेज नंबर बताइए कहाँ पर था, ये एक वर्किंग हो रही थी 398 पेज पे, देख लेते हैं सर याद है क्या बात हो रही थी। एन्यूटी का फॉर्मूला कब लगना, इस सिनेरियो में क्यों नहीं हम इकट्ठा लगा सके, ये एक नजर देख लें कैंडी कहीं कंफ्यूज नहीं सका। माइनस फोर क्यों हुआ पहले, फिर माइनस फाइव क्यों हुआ, माइनस फोर क्यों हुआ जी, चार रेंटल थे नहीं पहले, चार रेंटल थे माइनस फोर हुआ चार रेंटल्स की वजह से नीचे वाला, फिर माइनस फाइव क्यों किया दोबारा जो आंसर है, कहां से वापस लाने के लिए, ईयर सिक्स से अगर लाना था तो माइनस सिक्स होना चाहिए था, पेज नंबर 399 पे है। क्या आंसर आया था आप लोगों को फाइनली कल,
टोटल करके, चलिए एक टेबल बना हुआ है मेरे ख्याल, इसमें बस वो चीज देखना है जो इसमें नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेबल इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, नहीं इधर लेसी पे आ गए वापस हम जरा। एरियाज में रेंटल थे 60 60 60, तो आई होप पहले तीन में तो इशू नहीं है। अगला कैलकुलेटर पे करो, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का फिर गैप है, देख ले सब डाटा रखेगा रजिस्टर में। तो 157 184 को 10% से मल्टीप्लाई किया तो इंटरेस्ट आ गया, लेकिन इस साल पेमेंट नहीं है तो फिर वो प्रिंसिपल में ऐड हो गया। अगला इंटरेस्ट पे 172 पे आया, फिर उस दिन उस साल भी कोई पेमेंट नहीं है, वो भी ऐड हो गया। से अगला इंटरेस्ट 190 192 पे आया, और यहां से फिर गेम दोबारा वही शुरू हो गई। ठीक है, सोच के जरा मुझे 31st दिसंबर 2022 वाले इंटरेस्ट की एंट्री बताओ। अब ये अक्रू होना टेबल या लाइब्रेरी विच एवर यू फील कंफर्टेबल। फिलहाल 2023 पे सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। ठीक है, 31st दिसंबर 2024 वाली एंट्री करवा दो। कैश क्रेडिट 60, या लिख लो आप नीचे अपने हाथ से लिख लो टेबल के नीचे 31st दिसंबर 2024 वाली एंट्री लिखे। जवानों को हिम्मत मारो, हिम्मत करो यार, नहीं आपके अलावा बहुत से नौजवान आप तो कर रहे हैं हिम्मत। एक्सपेंस डेबिट 19019, लीज लायबिलिटी डेबिट कर दू 40981। अगर आपने पहले कौन सी एंट्रीज की होंगी तो फिर ये एंट्री होगी। एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी में अगर क्रेडिट किया तो ये एक्सेप्टेबल है, और अगर आपने दूसरी एंट्री की है पेबल लदा बनाया तो फिर ये टोटल पेबल कैलकुलेटर पकड़ा 15,718 और प्लस 172890 हो गया होगा, मतलब फिर डबल 3 ये हो जाएगा, और फिर प्रिंसिपल एक बैलेंसिंग भी कराएगा। तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि शायद लीज लायबिलिटी वाली बात जरा आसान महसूस हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल दूसरी में भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है ऐसे। एक और सिनेरियो करें, चलें ये ऑल स्टूडेंट्स क्लियर। अरे स्टार्ट कहता 1st February 2019 CCL entered into a lease agreement for a non-cancelable period of 2.5 years with effect from 1st March 2019. Under that agreement, 8 installments of 12 million are to be paid quarterly in arrears commencing from the end of the third quarter, that is 30th November 2019. Lease start kab se फर्स्ट फरवरी को एग्रीमेंट हुआ, लेकिन शायद स्टार्ट होगी 1st मार्च से, और फिर 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 12 मिलियन ईच है, क्वार्टरली है, एरियर्स में है। पहला क्वार्टर बताएं कब एंड होगा, कहां से गिनेंगे? नहीं पहला क्वार्टर ही है, पीछे जा रहे हैं। मार्च अप्रैल मई 31 मई, अगला जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर,
पहला रेंटल कब से जाना है? पहला रेंटल कब जाना है? 30 नवंबर पे जाना है। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है जी 15% पर एनम विच इज नॉट नोन टू लेसी। आ जाएगा कुछ आप। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ सीसीएल इज 16% ऑन 1st April 2019। CCL completed installation of the machine at a cost of 4 million input interviews. इसकी इंशाल्लाह पर बाद में जब पर्सन करते हैं बात करेंगे। आपने मोटराइजेशन स्केड्यूल बनाना विद रिस्पेक्ट टू मोटराइजेशन स्केड्यूल मींस फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल विद रिस्पेक्ट टू लेसी। लेसी के एंगल से दोबारा देखेंगे लेटर। कहां से टेबल शुरू होता है लेसी का? लीज लायबिलिटी से, और लीज लायबिलिटी किस अमाउंट से क्रेडिट होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। डेबिट यकीनन बहुत कुछ हो जाता है, आईटीसी भी हो जाती है, वो भी हो जाता है। लीज लायबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ये प्रेजेंट वैल्यू अपनी कैलकुलेट करवानी है। लेकिन मेरा ख्याल एक दफा दोबारा सही तरह जरा डाटा समझ लें। जरा स्टार्टिंग डेट क्या जी? 1st March 19। इसे या चले जो भी है लिखो, वही पढ़ते हैं। पहला क्वार्टर का बैंड होना 31st May 19। सेकेंड क्वार्टर 31st August 19। फिर 30th November 19। यहां से पहला रेंटल आना, यहां से 12 फिर ऑनवर्ड्स कहां तक जाने हैं? 8 रेंटल है, फिर 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है, तो 12 मिलियन यहां से ऑनवर्ड्स फिर 8 अमाउंट्स होंगे। एक मिनट जरा बात समझ में आ रहा है क्या? एन्यूटी लग जाएगा? नहीं, एन्यूटी लग जाएगा, एन्यूटी लग जाएगा। 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्वार्टरली है, टाइम पीरियड सेम है, सिमिलर अमाउंट्स हैं, एक से ज्यादा है, सिमिलर है, गैप सेम है। गैप सेम डजंट मींस कि एनुअल हो, अगर क्वार्टरली है तो सबका क्वार्टरली हो, एनुअल है तो सबका एनुअल हो, सेमी एनुअल हो, जो भी हो लग जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वर्किंग शुरू करें, आप लोगों को सबको अब ये कंफर्टेबली पता होना चाहिए कि अगर लेट्स अज्यूम ये ईयर वन एरियर से अगर अमाउंट शुरू हो रही है, लेट्स अज्यूम ये इस तरह हो, लेट्स इग्नोर द डाटा, जो क्वेश्चन में वैसे ही बता रहा हूँ। लेट्स अज्यूम आठ इंस्टॉलमेंट्स हो ईयर वन से लेके ईयर एट तक, और स्टार्टिंग फ्रॉम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एरियर्स, और यहां तक है, क्या एन्यूटी लग जाएगा? और क्या फिर डिस्काउंटिंग भी करनी पड़ेगी? क्या अगर फर्स्ट ईयर के एंड से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है तो ये हमारे लिए कोई नई चीज है? तो क्या प्रेजेंटली आज आ जाएगी? असल में जिस ईयर के एंड से फिगर शुरू होती है ना, उस ईयर के स्टार्ट पे आंसर आ जाता है। तो अगर ईयर वन के एंड पे पहली इंस्टॉलमेंट है, जब हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो आज आंसर आ जाएगा। हमेशा ही आता था, अगर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इन एरियर्स, तो पहले हमने कुछ भी कभी नहीं किया है। तो जिस ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट होती है उस ईयर के स्टार्ट पे आंसर आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर ये इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, नहीं क्वार्टरली वाला भी इशू नहीं है, क्वार्टरली स्टार्ट पे आ जाएंगे हम। जिस भी पीरियड के एंड पे होंगे उस पीरियड के स्टार्ट पे आंसर आ जाएगा। अगर वो पीरियड मंथली है, मंथली के स्टार्ट आ जाएगा, एनुअल है, क्वार्टरली है, वो इशू नहीं है शायद। लेकिन अगर ये फॉर एग्जाम्पल ईयर वन का गैप होता और ईयर टू से गेम शुरू होती तो एन्यूटी अभी भी लग जाता, लेकिन अब आंसर ईयर वन सॉरी ईयर टू के स्टार्ट पे, विच फिर मींस ईयर वन के एंड पे आता, फिर हमें एक दफा माइनस वन करके ईयर जीरो पे आता। बिल्कुल इसी तरह अब हम ये 12 मिलियन जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं बाय यूजिंग द एन्यूटी। लेकिन अब अप्लाई करना होगा डाटा, नहीं अब 16 नहीं, अभी क्वार्टरली रेंटल्स हैं, अप्लाई कर देना सारा। 12 मिलियन में लिखा है 1 माइनस 1 प्लस, क्वार्टरली का रेंटल्स है। अच्छा, इम्प्लिसिट रेट लेना है या बोरिंग रेट? मैंने तो कहा था इम्प्लिसिट रेट लेना होता, दोनों अवेलेबल हो
बताया हुआ कि लेसी को पता नहीं है। नहीं मतलब 16% अब क्यों ले रहा हूँ, नॉट नोन टू लेसी। लेसर का अगर ये सवाल होता तो उसने इम्प्लिसिट रेट ही लेना है, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो कैलकुलेट भी होना, तो लेसी के एंगल से फिर वो बोरिंग रेट ले सकता है। तो लेकिन जब वो 16% हम लेंगे तो वो पर एनम होगा बाई डिफॉल्ट, तो हम क्वार्टरली बनाने के लिए 0.04 मीन्स 4 पे डिवाइड हमने कर दिए। अब माइनस 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 0.04, आंसर है क्या मतलब 80.79। अब ये कंपलसरी है जो मैंने कल एक सेंटेंस लिखवाया था, क्या बताएं मुझे ये आंसर कब आया? आंसर इज एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड क्वार्टर विच मीन्स एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर। 21 क्वार्टर से गेम शुरू होनी थी, रेंटल थर्ड क्वार्टर से था, थर्ड क्वार्टर के एरियर्स में, तो देयरफॉर फिर ये आंसर किस वक्त आया? जिस पीरियड के अपेंड पे हो उस पीरियड के स्टार्ट पे आया। तो पहले स्टार्ट लिख लें, ऑब्वियसली फिर स्टार्ट मींस क्लोजिंग ओपनिंग जिसमें बैलेंसेस होते हैं, व्हिच मींस एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर, एंड देयरफॉर यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, फर्दर डिस्काउंट करेंगे 1+0.04, फर्दर दो क्वार्टर है और माइनस 399 पेज पे जगह है मेरे ख्याल, वहां सफिशिएंटली कवर हो जाएगी बात। थोड़ा सा ये टाइम्स डेट लिख कर रख कंप्लीट कर। आ गया सर, आप मुझे पता था आपने कहना, वो भी आ गया। नहीं एडवांस होगा तो वो आप बताइएगा ना। बेटा अमीन आपका क्वेश्चन क्या हमसे डिफरेंट है यार, आपने आपको कहाँ से पता चला कि लेसी जानता है इम्प्लिसिट रेट? प्लीज क्वेश्चन में ढूंढ के बताइए कहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लेसी को ही पता। सर फाइनल किया आपने? वो कल एक परेशानी थी, पेज नंबर मैंने आप कुछ लोग हजरा लेट आए हैं सर, पेज नंबर 302 से लेके 317 तक जब भी कभी दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो एक नज़र पहले अगर एक रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि भूल जाता है, तो वो मेरे ख्याल वो मेन चीज़ें हैं जिसमें एक क्वेश्चन में आ रही बार बार, वो कंटिजेंट डेफर्ड उसी में फिर वो देख लिया पेज नंबर 302 था। सर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं यार, 2.5 साल है, 2.5 साल में से पहले आधे साल में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है यार, क्वार्टर एक और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 2 सालों में देर को 8 इंस्टॉलमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है प्रशांत ये नोटेड है प्लीज। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज पर टेबल देखें सही बना हुआ। आंसर फाइनली क्या है जी आपका? 74.7 69 7 0। ये टेबल देखें जी, पहले 2 साल अब क्या होगा, सॉरी 2 क्वार्टर्स इंटरेस्ट भी नहीं होगा, एक एक आध वर्किंग कर ले जरा। 74.7 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, दोनों चॉइसेस है, 16% इंटू 3/12 कर लें,
या सीधा 0.04 लेना, कर ले वर्किंग। अब क्वार्टरली इंटरेस्ट आएंगे, क्वार्टरली क्वार्टरली एक्सपेंस अक्रू होता रहेगा। एक 30th November कर लें, 80.8 × 4% और 12 में से माइनस कर दें, बाकी फिर वही एंट्री बता देंगे 12 मिलियन जो फर्स्ट रेंटल है। कैश क्रेडिट 12, लीज लायबिलिटी कितने से डेबिट, वो अब आपकी चॉइस होगी। मैंने दोबारा इसलिए बात की, अगर आपने लीज लायबिलिटी पर क्रेडिट किए तो 8.77, अदरवाइज फिर ब्रेकअप हो सकता है, एक्सपेंस डेबिट होना, ठीक है। बाकी अब चीजें रिपीट होनी है, फिर बाकी फिर अभी क्वेश्चन करते हैं, चलो उसमें एंट्रीज लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये ऑनलाइन सर्ट्स आते हैं, लीज कमेंसमेंट डेट है 1st January, लीज टर्म है 3 साल, 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, इन एडवांस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st July है, रेट 12% है, फर्स्ट डेट बताएं लीज की। 1st January 18 यार, ना करें क्वार्टर्स है, एडवांस में है, नेक्स्ट क्वार्टर की डेट बताएं, 1st April 18, 1st July 18, 10,000 इस दिन होगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, एडवांस में रेंटल है, बाकी बातें बाद में, पहले वो पुरानी ना भूल जाइएगा। नेक्स्ट रेंटल की डेट 1st, जान दे यार खुद आग लगा, क्वार्टर के बाद 6 महीने यार खुद आग ली यार, इतनी ठंड यार, 1st October यार, क्वार्टर 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 10,000, ठीक है, ये पहला एडवांस है, ऑब्वियसली अगले भी एडवांस है, तो बाकी बातें छोड़ो, ऊपर वाले 2 क्वार्टर छोड़े, एक सेकंड, यहां से बल्कि यहां से विदय मेरे ख्याल यहीं से आगे, इस पहले 10 के बाद 9 है, पहले 10 के बाद 9 है, 9 टोटल 10 है, पहले पहले 10,000 के बाद 9 रह जाएंगे। अगर कभी एडवांस में रेंटल हो तो आपने एन्यूटी लगाई, यस सर, पहले भी नहीं लगाई, पहले 10 लगा हो गया, कंसंट्रेट करना पड़ा, बाकी 10 कितने रह गए, 1 माइनस 1 प्लस, अब कंसंट्रेशन का काम है, 0.03 12% नहीं पता पर एनम होगा, -9/0.03, खैर नहीं अभी यहाँ तक, ठीक है, आंसर बता, 87.86, ठीक है, पहला 10,000 मिला के, अब ये सोच के बताइए आंसर किस दिन आया, दिन बता दें बाकी वहां से पता चलता है, ठीक है, पहला जो 10,000 है ना ये तो 1st July का ही है, तो ये तो 1st July का ही है, तो अगले जो 9 थे वो 1st October से थे, तो आंसर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd quarter का, ये 1st October वाला रेंटल है ना, यहीं से शुरू हुआ ना, ये 9 यहां से शुरू हुआ, तो ये आंसर किस दिन अप्रोक्सीमेटली आया, 1st July, एट द एंड ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd quarter, विच मीन्स एट द एंड ऑफ 2nd quarter, ये सारा आंसर, 10,000 तो अलग-अलग लिया ना, 10,000 तो उसी दिन का था, वो 2nd quarter के एंड पे था या 3rd quarter के स्टार्ट पे गला, तो बाकी जो आंसर आया वो भी अब 2nd quarter के एंड पे आ गया या 3rd quarter का स्टार्ट, विच मीन्स एट द एंड ऑफ 2nd quarter। अब ऑब्वियसली ये 10,000 सिर्फ देखें पहला 10,000, क्या इसने भी 2 quarters पीछे आने, कुछ नहीं, क्यों ना, वो तो एडवांस में, उस वक्त एडवांस में है, उसने भी 2 quarter पीछे आना था और बाकी ने भी आना था, तो फाइनली आपका ये जो आंसर है सारा एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd quarter कर लें, विच मीन्स एट द एंड ऑफ 2nd quarter कर लें, तो यहाँ से और कितना वापस जाना है, 1.03 माइनस, अपने हाथ से करें,
नहीं आपने माइनस भी लिया ना अपने आपसे, ये लास्ट में जो माइनस के बाद छोड़ा मैंने, ये आपने करनी पता, ये माइनस टू डन है सर। तो ये जो पहला 10,000 है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, है कट्ठा आगे फर्स्ट टू क्वार्टर्स ठीक है तकरीबन, इससे वापस जाना था तो पहले उसी तरह कर ले जो कर रहे हैं आप, जो अदरवाइज आपको पता देन सोच लें कि अगर ये कुछ बीच में गैप है अकॉर्डिंगली इसको वापस ना, तो पहला 10,000 हम अलहदा भी कर सकते हैं माइनस टू, उसने भी होना है माइनस टू, और बाकी जो आंसर है उस वो फिर आपका थर्ड क्वार्टर वाला जो आंसर है वो सेकंड क्वार्टर के एंड पे आ जाएगा और फिर उसको फर्दर कर सकते हैं। जी इसका टेबल देखें जल्दी हो जाएगा, इसका नीचे टेबल बना हुआ है, फाइनल आंसर बताएगा क्या 82817 ऐसे ही है। अपना टेबल देखें जो बना हुआ 82818 से बना हुआ, पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 2485 ठीक है, एंट्री बता दो Spence debit, payable या liability credit, whichever you want to say, done. Closing balance में add हो जाएगा। लेकिन अब अगला 1 जुलाई है, 10,000 beginning है ना dates, है 1 जुलाई 18 पे installment, उसमें interest है तो एडवांस में अब पिछले दो क्वार्टर्स की गेम चल रही है, वर्किंग देखें सेम हुई भी 85303 इंटू 3% सही फिगर, बैलेंसिंग फिगर नहीं, बैलेंसिंग फिगर 2559 समथिंग और बैलेंसिंग फिगर ठीक है, सही बना हुआ टेबल। इसकी एंट्री बता दें 1 जुलाई 18 पर, कैश क्रेडिट 10,000, एक्सपेंस डेबिट है, लायबिलिटी डेबिट है या ब्रेकअप करना तो हो जाए ठीक है ना प्लीज जी, और ठीक है जी ऑल लिसनर्स टेबल में बैलेंस सेम क्यों नहीं आ रहा, 7,8 हो गया बैलेंस सेम नहीं आ रहा, खौफनाक सवाल को जरा एक्सप्लेन कर देंगे जान मोहम्मद साहब, पेज नंबर आप लोग ले लेंगे, मैं जरा जान मोहम्मद साहब के साथ डील करूंगा, जरा पेज नंबर 401 पे और आखिरी एग्जांपल खुद करें जरा जल्द से, सब कुछ इंडिविजुअली सोचूंगा। जान मोहम्मद साहब जाने दे उस यार, कौन सा बैलेंस सेम नहीं आ रहा यार, टेबल में कौन सा बैलेंस सेम नहीं आ रहा है यार, तो कम करें कर लेते हैं सेम यार,
जाने दे यार, हमारा आंसर कितना है जी? एक सेकंड, फाइनल आंसर 82817 नहीं? तो सर जा तो सही है, सिर्फ बैग जाएंगे तो वापस आने को रहने दे यार। आई गेस योर गेस इज ठीक, लेकिन अपनी वर्किंग को करिए। आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, कहीं यार अजीम कब जाना है उसका यार, खुदा के लिए अपना अपना सवाल तो ना बनाए यार। थर्ड क्वार्टर के एंड से गेम शुरू होनी है, अपन फोर्थ फोर्थ क्वार्टर खुद ही बना लिए। थर्ड क्वार्टर से रेंटल है, तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो थर्ड क्वार्टर के शुरू में आंसर आ जाएगा, वहां से माइनस शुरू कर लें। पहले फाइव पे थे, अब तो फोर्थ पे आ गए। एक नजर कांडी क्वेश्चन भी देखिएगा, थर्ड क्वार्टर से शुरू होना है। 30 नवंबर थर्ड क्वार्टर का एंड है, जब प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो थर्ड क्वार्टर के स्टार्ट में फिगर आ जाएगी, विच मीन्स एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर। ये जान मोहम्मद साहब फाइनल है जी प्लीज आप। यार थर्ड क्वार्टर पे वापस कैसे कैसे आना, थर्ड क्वार्टर पे कैसे आना है? वो तो आपने वर्किंग करनी है आगे यार, जब बैल टेबल आपका शुरू हो गया तो उसके बाद आपने रेट मल्टीप्लाई करना है बस। जब आपकी ये फिगर आ गई है तो अब आपने रेट मल्टीप्लाई करना है 3% अकॉर्डिंगली टेबल बन जाना। टेबल बनाते हुए क्या करना है, आपने बैलेंस से स्टार्ट करना है, जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है, और एग्रीमेंट की डेट्स लिखते रहना आपने। थर्ड क्वार्टर पे जब वापस आएंगे तो आगे आ जाएंगे आप, ठीक है जॉन सर? वो तो टेबल बनाना आपने उसके बाद। थर्ड क्वार्टर के एंड से आपका जब आंसर आ गया है थर्ड क्वार्टर के स्टार्ट पे, तो आपने माइनस टू करके बस फिगर निकाल लेंगे। अब क्लियर है प्लीज? जी सर, एग्जाम्पल नंबर 5 करवा दें कैसे किए? एडवांस में है, सेमी एनुअल है, 8,000 अलहदा हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 एडवांस है, पहला 8,000 तो एज इट इज आ गया ना 1 अक्टूबर पे, बाकी 8,000 के 6 रेंटल्स रह गए, 1 माइनस नहीं 7 में से 6 रह गया ना, मतलब 1 प्लस 0.06855 पूरा लिखें यार, -6 डिवाइडेड बाय 0.68655 सेमी एनुअल बना रहा हूँ, 4 6 2 9 1 दिस आंसर इज एट द बिगिनिंग ऑफ जंप लगा रहे हैं, अब जंप ना लगाइएगा, पहले बिगनिंग सोच लें सेकंड, और ये 8,000 पहले लदा हुआ होगा, ये डेफिनेटली ये तो पहले कहां पे खड़ा है, फर्स्ट अक्टूबर मतलब इट इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, इट ऑलरेडी एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, सॉरी फर्स्ट सेमी एनुअल पीरियड, फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट जुलाई की फिगर है ना ये, फर्स्ट सॉरी अक्टूबर, दिस आंसर इज एट द लिखवाएं एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड सेमी एनुअल पीरियड। ठीक है, विच मीन्स एंड ऑफ फाइनल जी प्लीज, एंड ऑफ फर्स्ट सेमी एनुअल पीरियड।
एक गैप है इसमें, एक सेमी एनुअल पीरियड का गैप है, एक सेमी एनुअल पीरियड का गैप है, और मेरा ख्याल फिर 46291 into 1 plus 0.068655 minus बता दूंगी फाइनल 1 2 3 4 जी फाइनल जी प्लीज जल्दी स्टूडेंट्स प्लीज। चलिए क्वेश्चन छोड़ के यहां तक आए थे कल, गैप भी हो सकता है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, इसका मतलब मुझे हुआ कि देखना पड़ा करेगा। पेज नंबर कौन सा था जी, गवा हो रहा था 374। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज साथ रहते नहीं क्या कैंडी, अब बस इस डेटा से पढ़ने पूरा दोबारा, मुझे सिर्फ अपने प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करवानी, बाकी फिर ही होंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ने, लेसी था या लेसर था, लेसी लेसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग करवाए, करें जी फिर कंसंट्रेट, क्या करो 48 एरियाज में, शुरू में गैप तो नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, एनयूटी लग जाएगा 1 minus 1 plus रेट होने कहीं इम्प्लिसिट रेट गिवन है और कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, 10 को चेंज क्यों कर रहा हूं, 0.05 minus 7 divided by 0.05, क्या ये आंसर 1 July 17 पे ही आएगा, क्या ये आंसर 1 July 17 पे ही आएगा, इसका इशू नहीं है, लेकिन क्या लीज टर्म फर्दर 1.5 इयर्स पे रीजनेबली सर्टन एक्सटेंड हो जाएगी, उसके रेंटल कितने हैं, 3 है, एक रेंटल बताएं, क्या वो भी एरियर में है, एनयूटी लगा दूं, कंसंट्रेट फुल नहीं, एनयूटी लगा दूं, 3 है, क्या एक्सेस ज्यादा है, Yes, अच्छा वैसे इस 15 मिलियन की 3 इंस्टॉलमेंट्स की मैं डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू ले सकता हूँ, अलग 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 कितनी 3 वर्किंग होंगी, कैसे लूंगा -8 -9 -10 आठवां सेमी एनुअल, नौवां दसवां, लेकिन क्या टाइम वेस्टिंग है, एन्यूटी लग सकता है, एन्यूटी लग सकता है, एन्यूटी लग सकता है, 1 minus 1 plus 0.05 minus 3 divided by 0.05, लेकिन रुक जाए यहीं, ये कौन से थी, चौथे साल वाले, चौथे साल फोर्थ ईयर वाला एंड, 4.5 इयर्स वाला एंड, और उसके बाद 10th सेमी एनुअल पीरियड, तो ये आंसर किस दिन आएगा, हाँ जी स्टार्ट बिल्कुल सही है, एकदम एंड पे ना है, पहले बिल्कुल रिलैक्स रह के, ये आठवें क्वार्टर से गेम शुरू हो रही है, सॉरी आठवें सेमी एनुअल पीरियड से, तो दिस आंसर विल बी एट द स्टार्ट ऑफ 8th सेमी एनुअल पीरियड, विच मींस एंड ऑफ 7th सेमी एनुअल पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय 1 plus 0.05 minus 7, कहां से आ गए, 7 इंस्टॉलमेंट्स आ गई,
कंसंट्रेशन रखें, सॉल्व करके आंसर बताएं। सही कह रहा है यार, सही कह रहा है। कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन फाइनल कर लें, बाकी तो इंशाल्लाह। URV यार, आपने URV नहीं बताई। URV भाईजान, URV DB है यार, सवाल में DB क्या होगी, ये भी जरा सोच लीजिएगा। लेसी लेसर आंसर 307 307 नहीं, जो आ रहा है वो बताइए यार, आपकी प्लीज आपकी मेहरबानी है। 7-8 डन है प्लीज। बाकी ये होमवर्क रख लें, लेसी का सवाल है मेरे ख्याल, लेसी वाले सवाल अब यूज तो है। HW लिखे सर क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा कंप्लीट सॉल्व करना है, इसमें मैच्योरिटी एनालिसिस बनने हैं, लेकिन डेफिनेटली लेसी है। स्केड्यूल नहीं बनाना प्रॉपर्टी ग्राउंड इक्विपमेंट का, अंग्रेजी का पैराग्राफ तो आप हमेशा लिखते हैं, लिख लिख के थक गए बस। इस वक्त एक काम जरा पहले कर लें, हमें इससे पहले कि एक और क्वेश्चन पे जाएं। पेज नंबर 380 निकल गए। बेटा स्नान यार, क्या कर रहे हैं यार, अगर इससे हो सकती होती तो पहले कर लेते यार। हमेशा इंटरेस्ट रेट ने सेमी एनुअल में कन्वर्ट होना है यार, हम इंटरेस्ट रेट को वैसे ही रहने देते हैं, ऊपर से पीरियड बदल देते हैं। क्या इंस्टॉलमेंट हम खुद बना लें एनुअल, जरा आप दो कर दें, देनी ही सेमी एनुअल पीरियड में, हर 6-6 महीने बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस बदल जाना, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर बदलना है तो 6-6 महीने का रेट लगना, ये कोई वक्त है यार इन सवालों में करने को, बड़ा जो मर्जी करिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से रेट को 10% रख के इंस्टॉलमेंट्स को 2000 रुपए दे दें, इंस्टॉलमेंट्स को 2000 रुपए क्यों नहीं दे सकते, क्या इकट्ठी देनी है, साल बाद दे देते हैं। बेटा अपना सवाल नहीं बनाना, सवाल वही है जो है, 6 महीने बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस बदलना है, और क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस बदलने से रेट इंटरेस्ट बदल जाता है, 18 साल का बना लेते हैं। पेज नंबर 380, ये बातें तो उस वक्त जमाने में फाइनल होगी नहीं है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, अपना वो पे ही निकलिए जो क्लास के स्टार्ट में तो नहीं था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जिसमें एक सेंटर में लाइन लगी हुई है, कैलकुलेशन ऑफ लीज पेमेंट्स है, किसी को पता कहाँ है, कहाँ है, ये ढूंढ के बताइएगा मिला कि नहीं। आपके रजिस्टर पे एक पेज बना हुआ, उस पेज को जरा सामने रख के एक छोटी सी एग्जांपल पहले करना, फिर एक क्वेश्चन करना। मैं पेज नंबर 380 के एंड पे एक एग्जांपल है, मिल जाएगी अदील, दो तीन सिनेरियोस बने हुए, जरा सही तरह इनके आंसर्स फाइनल करो। अदील लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम हु इज लेसी एंड लेसर, डेल केयर on the following terms, down payment है, annual payments है, arrears में है, lease term 5 years है, in addition to the above information, consider the following 3 independent scenarios. 3 independent scenario means, scenario 1 अलग सोचना है, 2 अलग, 3 अलग, जी सर, scenario 1, AL means, lessee has guaranteed residual value of 10 million, although it expects to pay nil. As machine has an expected residual value of 15 million. पहले तो इसको सिंपल ट्रांसलेट करने दे रहा, क्या कहता है?
उसने गारंटी 10 की दी है, लेकिन उसे लग क्या रहा है कि उसे नहीं कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि उसका ख्याल यह है कि रेजिडुअल वैल्यू 15 मिलियन है। इसका मतलब किसको कहां से कितना मिल जाएगा? लेसर को मार्केट से 15 मिल जाएगा, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में अगर आपने एएल की मींस लेसी की लीज पेमेंट्स निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, आप कुछ तो लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ तो लेंगे। अच्छा, अपना पेज जरा सामने रखना, वो जो रजिस्टर वाला पेज है, लेसी की लीज पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। 5 मिलियन लेंगे, 8 मिलियन के 5 रेंटल लेंगे। नहीं, अब अपने रजिस्टर में राइट साइड पे सेंटर में एक लाइन लगी हुई है, उसके राइट साइड वाली स्टोरी है। जीआरवी यूआरवी का कॉन्सेप्ट तभी है जब ओनरशिप इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर, ठीक है। उसमें लेसी के साथ एक वर्ड्स आपने लिखे थे, क्या लेसी ने अगर गारंटी दी है तो उसे कंसिडर करेगा? करेगा, लेकिन एक सेंटेंस लिखा हुआ, क्या वर्ड्स है? अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने पे करनी है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग टू पे, व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग टू पे। गारंटी उसने दी है, लेकिन हाउ मच ही इज एक्सपेक्टिंग टू पे, सो ही विल नॉट ऐड एनीथिंग इन दिस केस। गारंटी उसने दी है, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कि उसे देना नहीं पड़ेगा। एक मिनट, अब आ जाए लेसर। लेसर लीज पेमेंट्स की अच्छा बात हो रही है, यूआरबी अगर कोई है तो उसकी बहस अभी नहीं होगी। यूआरबी फिर किसमें जाकर शामिल होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो जस्ट लीज पेमेंट्स। नीचे आए लेसर, नीचे लेसर, उसी पेज के नीचे लेसर का अलग स्टोरी बनी हुई है, वही पेज है जी। पढ़े सवाल भी पढ़े, वो पढ़े। अब लेसर की लीज पेमेंट्स बनो, 5 मिलियन उसे मिलेगा, 8 × 5, और क्या उसे 10 मिलियन लेसी ने गारंटी किया उसे उसे देना है? अगर फॉर एग्जांपल फिलहाल उसे नहीं लग रहा कि उसे देना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड उसे देना पड़ा तो वो मिलेगा उससे, उसे गारंटी मिली हुई, तो लेसी ने कब कंसिडर करना? गारंटी उसने दी भी है, लेकिन अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है तो वो कंसिडर करेगा। लेसर ने कंसिडर क्यों किए? उसे गारंटी है, नहीं उसे गारंटी है, उसका है उससे, अगर उसे ना मिल सका तो उसे वो देगा। हाँ, अगर उसे मार्केट से मिल गया, मार्केट से मिल गया वो ठीक है, एट द एंड, लेकिन उसे 10 मिलना, या मार्केट से मिल जाएगा या लेसी से, और लेसी से उसकी गारंटी है, तो लेसी से रिसीवेबल वो कंसिडर कर रहा है। वो क्यों नहीं अपना पेबल कंसिडर कर रहा? उसे लग रहा है कि मुझे नहीं देना पड़ेगा। अब ये एक एस्टिमेट है, क्या ऑनवर्ड सब्सिक्वेंटली एस्टिमेट्स बदल भी सकते हैं? और डेफिनेटली फिर वो उसमें अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी होती है, लेकिन वो एडजस्टमेंट अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से रिलेटेड है। क्लियर है पहला? तो इसमें अब लीज पेमेंट्स की फिगर आ गई 45 मिलियन एंड 55 मिलियन लेसी लेसर के एंगल से। तो इसके अंदर आंसर का साथ साथ लिखना, इसके आंसर ये बुक पे ही लिखेगा, दोबारा कभी नजर पड़े तो फौरन यहीं से थोड़ा सा देखना। जॉलेंट्स क्लियर है, इस जीरो से और इस टेन से। जी सिनेरियो 2 इंडिपेंडेंटली पढ़े, थोड़ा स्पीड अप है। लेसी एएल हैज ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन ऑल्दो इट एक्सपेक्ट्स टू पे ओनली 3 मिलियन एज द मशीन हैज एन एक्सपेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। जी सर, नहीं नहीं सर, सारा बता देना है। 5 + 8 × 5 + 3 = 48 मिलियन। लेसर 5 + 8 × 5 + 7 = 3। गारंटी रेजिडुअल वैल्यू प्लस ही है, गारंटी रेजिडुअल वैल्यू प्लस ही, ठीक है सर। 55 क्लियर है प्लीज। लास्ट सिनेरियो,
AL has not guaranteed industrial value. However, M Limited, manufacturer of the machine, has guaranteed KL to purchase the machine at the end of the lease term. आ जाएगा कुछ दिन में लीज पेमेंट सब प्लेस ही बनवाया 5 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 0 गारंटी है तो सही है यार है किसका नहीं अब लिंक है लीज पेमेंट ऑफ लेसर बनवाया 5 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 13 ये 13 कहां से आया मैंने देखा था यूआरवी आनी नहीं बीच में ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वाली बात है इसके साथ लिखना जरा ये मशीन कौन है ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी का मतलब ऐसे क्या है जिसके नहीं मतलब जो लेसी लेसर के अलावा एग्रीमेंट ऑफ लेसी लेसर के अलावा अगर कोई है तो वो थर्ड पर्सन है अदर कोई भी हो सकता है अदर देन लेसी एंड लेसर जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज जी डिसमेंटलिंग थोड़ी सी देर में है एंट्री बता दें डिसमेंटलिंग कॉस्ट की एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट फिर उसके बाद जो प्रोविजन है अनवाइंड होती है फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट पेज नंबर आ जाए 528 यार जान मोहम्मद अब जाने दे गुस्सा यार खुदा का नाम है यार सिनेरियो टू में रुपीज 3 मिलियन 25 ऑप्शन है और सर जी गारंटी रेसिडुअल वैल्यू लिखा हुई यार गारंटी रेसिडुअल वैल्यू जी से शुरू हो रही है यार ना कर यार परचेज ऑप्शन सभी अगर हो तो अभी आप क्लास के स्टार्ट में आपसे बात हुई फिर तो ये ओनरशिप ट्रांसफर होने की बहस ही और डीआरवी सी गेम ही खत्म है यार गारंटीज रेसिडुअल वैल्यूज हैं यार उसने गारंटी दी हुई है कि अगर ना मिला तो मैं कंपनसेट करूंगा यार जी क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना पेज नंबर सर 528 है यार ये ओके पढ़े जी सवाल ऑन 1 जनवरी 2020 डिटोल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज From Lifewise Leasing Limited for 3 years. The first installment amounting to rupees 35 million was paid on 1st January 2020. And all subsequent annual installments are payable on 1st January subject to 10% increase each year. Increase of 10% each year. DL incurred. अब DL और LL कौन है ये ध्यान में रखना. DL साहब कौन है? Lessee, lesser. DL incurred initial rate cost of 5 million. And as an incentive DL for entering into the lease, LLL reimbursed 2 million. LLL has incorporated an implicit rate of 11%, which is not known to lessee. The residual value of the machine at the end of the lease term is estimated to be 30 million, out of which DL has guaranteed rupees 20 million. अब बाकी ब्रैकेट में लिखा है डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ वापस उसी पेज पर जाए थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे तो पेज अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले उसका पेज नंबर दोबारा बताइए अभी जो एग्जाम्पल की थी ना
पेज नंबर 380 का। yes, उसको जरा साथ रख लीजिएगा, यहाँ पे उसने लिखा ही हुआ है इस क्वेश्चन में 528 पेज पर, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या है 30 मिलियन, उसमें से डीएल ने गारंटी कितनी दी है? देखिए अगर डीएल ने गारंटी दी है 20 और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा है एक्सपेक्टेड है, तो फिर उसे कितने पैसे लेसी पहले आराम आराम से लेसी लेसी, तो लेसी कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि देगा? यकीनन उसने 20 की गारंटी प्रोवाइड की है, लेकिन जो रेजिडुअल वैल्यू है वो उसकी गारंटी से ज्यादा है। तो इस केस में अब डेफिनेटली एक तो ये एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिससे हमारा 2-3 सिनेरियोस में फर्दर बताया था, वरना इस केस में अगर 30 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है और लेसी की गारंटी 20 मिलियन है, तो क्या लेसी इज एक्सपेक्टिंग या शुड एक्सपेक्ट टू पे एनीथिंग? जरा देख लो जरा सही तरह, नहीं क्या चीज किससे ज्यादा है, क्या 30 मिलियन का मीनिंग क्या है? रेजिडुअल वैल्यू अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड अट द एंड ऑफ लीज़ और डीएल की गारंटी है 20, यकीनन वो 10 क्या है वो एक अलग बहस है, लेकिन लेसी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेसी का उस रिमेनिंग से ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेकिन क्या लेसी को 20 मिलियन देने का कोई चांस है, लेसी को कोई उम्मीद है? वो क्यों, मार्केट से 30 मिलना और उसने 20 की गारंटी दी हुई है, तो मार्केट से अगर 30 मिल जाना तो ब्रैकेट पड़ रहा। इस केस में फिर हमेशा क्या अज्यूम किया जाएगा, लेसी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे एनीथिंग बिकॉज एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज मोर देन द अमाउंट गारंटीड बाय लेसी, क्या चीज किससे ज्यादा है? नहीं गारंटीड ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? अच्छा जरा उलट कर लेते हैं थोड़ा सा, 30 की गारंटी है और एस्टिमेटेड है मेरा ख्याल 20 करना, उलट करना, फिर 10 तो जरूर देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इस केस में किसके एंगल से जीआरवी खत्म हो गई? नहीं यूआरवी से रेलिवेंट होती नहीं, लेसी और लेसर अब अलग अलग ही रखना इंपॉर्टेंट है, लेसी के एंगल से 20 मिलियन एक्सपेक्टेड नहीं है, तो लेसी के एंगल से कोई जीआरवी नहीं है और यूआरवी का उससे ताल्लुक होता ही नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल लेसर को यहां सोचें, तो लेसर के एंगल से क्या सोचें, 20 मिलियन जीआरवी है और 10 उसके लिए यूआर, एलीस पेमेंट सीधे आप वर्किंग कर रहे होंगे लेसर की, तो 20 मिलियन लेंगे, लेकिन जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वर्किंग करेंगे तो प्लस 10 भी कर लेंगे। आगे चलो, डीएलए है इज एन ऑब्लिगेशन लेन, DL is also obliged to incur dismantling cost of 4 million at the end of the lease term and the discount rate is 12% may be assumed whenever required but not given. Soch lete hain, soch lete hain. Requirement. Prepare relevant extracts from DL's statement of profit loss for the year ended 31st December 2020 and statement of financial position on that day. Do kaam hai. DL ke statement of profit loss और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनने, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पार्ट ए, पार्ट ए ऊपर था, बी रिक्वायरमेंट बनाई है, प्रिपेयर नोट्स फॉर द इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लाइफ बाय लीजिंग, लेसर का भी गेम साथ ही है, लेसर का क्या मांगा है और लेसी का क्या मांगा है? तो लेसर के नोट्स में क्या जहन में आना चाहिए, अगर फाइनेंस लीज हुई और अगर ऑपरेटिंग लीज हुई, ये चैलेंज है असल में, पूरा मतलब टॉपिक शायद उसने इस कड़ में इकट्ठा कर दिया, अगर वो हुआ तो वो होगा और अगर वो हो गया तो वो। आज पहले एक काम शुरू कर लो, इसकी बुक शुरू होने लगी डिटॉल लिमिटेड, बल्कि इसके लिए एक पेज छोड़ दो, क्या क्या बनाना वैसे, स्टेटमेंट ऑफ नहीं देख लो, एक पेज ज्यादा मतलब पहले बतियातन छोड़ दें, कुछ पेपर में कम से कम एक पेज ही छोड़िएगा, यहाँ पौना रहने दें तकरीबन छोड़ दें।
वर्किंग पे आने करेंगे क्या हम उसी तरह जिसका कोल लिमिटेड था कल, जिसका कोल लिमिटेड था, लेकिन बारे इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली मेन चीज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ना। फर्स्ट डेट बताएं, फर्स्ट जनवरी 2020। करें वर्किंग करा पहले ये 1st January 2020 राइट ऑफ यूज डेबिट शॉर्ट टर्म नहीं सर, कैसे पता चला? 3 इयर्स की लीज है, मोर देन 12 मंथ्स, लो वैल्यू है उसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल सही, मशीन है तो इन्फॉर्मेशन हो तभी है। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट इस अमाउंट से, मेरी सजेशन है अलग अलग ही सोच लीजिएगा, डेफिनेटली वो भी है इनिशियल ट्रेड कॉस्ट भी, इंसेंटिव भी है, सब कुछ इकट्ठा मुश्किल हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग शुरू कर दें, पहला रेंटल एडवांस में है 3500 एज इट इज हो गया, अगला रेंटल अनइक्वल रेंटल्स की गेम लग रही है, अगले रेंटल की अमाउंट बताएं 38.5 की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, कौन सा फॉर्मूला सर? एनुअल रेंटल है लेकिन डिफरेंट है, इंटरेस्ट रेट बताएं क्या लें? 0.1 बल्कि ये सबसे पहले 38.5 कैसे आ रहा है? 35 into 1.1 10% बढ़ना है, 38.5 समथिंग हो जाएगा। अब implicit rate given तो है, हाँ जी लेसी को नोन नहीं है तो देर पर पैसे का जहां जहां आप अवेलेबल नहीं है वहां पे 12% ले, ये 12% यहां हम क्या समझ के ले रहे हैं? इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 1 plus 0.12 - 1 ईयर, दूसरा रेंटल है -1 - 2 है यार, 1 year 2 स्टार्ट ऑफ द सेकंड एडवांस में रेंटल है, और तीसरा रेंटल अभी 38.5 का 1.1 होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 plus 0.12 - 2। जी आरवी गारंटीड बाय रेजिडेंट रेसिडेंट, चीजें काफी सारी हो जानी है, कंसंट्रेट करना पड़ना है, प्लस एनीथिंग? आंसर फाइनल आंसर बंद रखी हो गया क्या 0.14। ठीक है जी आगे ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज साथ हैं। नेक्स्ट डेट डबल एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट, ये क्या चीज करवाई अब आपने? आईटीसी $5 million रीइंबर्समेंट की एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट, हाँ जी सॉरी उल्टा
हाँ जी लीज एंड संडे पर आ जाएगा यार, तो पेज नंबर ढूंढ के बताएं कहाँ पढ़ा था कल, तो पीछे पेज नंबर ढूंढ के बताएं। लीज इंसेंटिव, कैश रिसीवेबल डेबिट, राइट ऑफ यूज क्रेडिट, कितना 2 मिलियन, ठीक है। तो ये तरीका सर दिन खोलें और करने से नेक्स्ट डेट 1 जनवरी 2020 एडवांस में रेंटल है, हाँ जी वो भी है ठीक है, प्रवीण पर डिस्पेंडिंग की तरफ आएंगे, बिल्कुल ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है सर, माइनस फोर जान दे उसे लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द लीज टर्म भी लिखा हुआ यार, और माइनस टू लीज टर्म 2 साल बाद खत्म हो जानी, कौन सी ना करेंगे प्लीज, कर सकते हैं कर नहीं सकते लेकिन ना कर, अलग अलग सोच लें मुझे कोई इतराज नहीं है, सेम डेट है ठीक है, ये चारों एंट्रीज कंबाइन हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा सोचना पड़ेगा कंपाउंड में, सब में प्लस ही होना लेकिन उससे अगर माइनस होना डेफिनेटली चॉइस आपकी एक सेम डेट पे एंट्री कंपाउंड हो सकती है, नहीं सब बोला था इंसेंटिव है, हमारा खर्चा किसी और को ये लेसर से इंसेंटिव मिला, ये सेम नहीं है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसर को नहीं दी जाती, ये कोई कमीशन एजेंट होगा कोई लॉयर होगा, ये पार्टीज डिफरेंट है, ये नहीं हुआ कि 5 दिया 2 ले लिए, ये नहीं हुआ 2 उससे लिए 5 किसी और को दिए, 12 नेट हो सकता है, लेकिन ये वजह नहीं कि उसी को दे के उसी से ले लिए। जी सर डिसबेंडिंग कॉस्ट का एस्टीमेट क्या है, नहीं तो इनिशियल एस्टीमेट क्या है, 4 मिलियन इंटू 1+0.12 -3.85 आ जाएगा यार, भागते चले लीज लायबिलिटी डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट इंटरेस्ट है, अभी थोड़ी देर पहले तो एडवांस में भी इंटरेस्ट है पता है, ये शुरू में ही वो गैप था। नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 2020 दो कौन से काम होने, हाँ जी डेप्रिसिएशन फाइनल कर दो, डेप्रिसिएशन फाइनल कर दो, हाँ ठीक है वो सही होना चाहिए, मतलब जी एसेट टोटल डेबिट हुआ कितने से, नहीं टोटल 3.14 +5 -2 +2.85 +35 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 108 समथिंग बनता है सर, 108.99 डिवाइडेड बाय, पूरी स्टोरी बता देंगे लेसी, ओनरशिप इज एक्सपेक्टेड बी ट्रांसफर्ड, परचेज ऑप्शन, शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म, यूजफुल लाइफ बताएं, ध्यान से पढ़िएगा कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंडिकेशन है, रेजिडुअल वैल्यू तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, असल में ये डिसमेंटलिंग भी हो रही है ना 3 साल बाद, डिसमेंटलिंग भी लीज टर्म के एंड भी हो रही है, तो डिसमेंटलिंग कब होती है, तो इस एसेट ने वापस मतलब उखड़ जाना,
तो 3 years लीज, 3 years लाइफ भी लग रही है सर। लीज टर्म कहाँ लिखा 3 years, वो तो ऊपर कहीं लिखा हुआ। फिर उसके बाद लीज टर्म के एंड पे ही डिसमेंटिंग भी है, तो शायद यूजफुल लाइफ भी 3 years है। ये लिखने का इंद्रा क्या चीज किसके बराबर ही है? लीज टर्म इज इक्वल टू, हाँ जी ठीक है, जब लेसर की तरफ आप आएंगे तो शायद ये चीज आपको वहां भी हेल्प करेगी। ठीक है सर, आंसर 36.33, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये चीजें सब कुछ याद आना चाहिए, अनवाइंडिंग भी होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी शायद होगा। ये रेसिडुअल वैल्यू का इसमें लेसी से लिंक ही कोई नहीं है, लेसी इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू पे एनीथिंग, वो साइंस ही सारी खत्म होगी। The unwinding. Unwinding, sir. कैसे करते हैं बस ये बता दो। 2.85 × 12% 0.34 फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटिंग क्रेडिट। अब आई होप कि ये कुछ चीजें जो हो रही हैं ये बस सब ज़हन में आपके फाइनली सेट है। ये टेस्ट में भी शायद आया था, आई स्टॉल वाले क्वेश्चन में भी आ गया था, तो अब ये चीजों से यूज्ड होना चाहिए, कभी इधर कभी उधर हर जगह पॉसिबल है। अब लास्टली क्या रह गया, मेरी सजेशन बहरहाल यही है कि जितना टेबल रिक्वायर्ड हो कम से कम बना लेना चाहिए, लेकिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये बना ले, एक लास्ट एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट जनवरी 2020 103.14 सबको पता है सर। जिस अमाउंट से ऐसा डेबिट हो उस अमाउंट से टेबल बनना है, वो बहुत दूर रह गई बातें। रेंटल 35 पहला इंपॉर्टेंट होता है सर, 68.14। नेक्स्ट डेट सही लिखवाए, 2021 38.5 37.82 8.18 की तलाश करिए। ऐसी पूरा 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 सर, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेएबल पे जी। ये स्टेक्स मेरे ख्याल इसके होमवर्क रखना है, बाकी इसका जो बी पार्ट है वो इंशाल्लाह कल करेंगे, लेसर वाला लेसी का मेरे ख्याल अब फिगर्स प्लेस ही करनी है, लेकिन प्लीज लिखा करें, इस तरह फायदा नहीं है, लिख लेंगे हो जाएगा, दो काम हो गए फिर घर के लिए। कौन कौन से
था कि मायूसी होगी। कल एक साहब ने बात की है जो सही है मेरे ख्याल में, IS-1037 बहुत ज्यादा निगलेक्ट हो रहा है, तो मेरा ख्याल उसको आधा घंटा रोज कम से कम रखना है उसको ना, वो जो थ्रेटिकल एस्पेक्ट है। इफ्रिक मेरा नहीं ख्याल कि आप छोड़े होंगे, इफ्रिक वाला तो सवाल शायद कर लेते हो, जो भी नहीं करते नहीं, इफ्रिक वो जो चेंज इन एस्टीमेट वगैरह उसमें तो नहीं इशू, उसमें भी है तो बताएगा तो पता चलेगा, मैं तो रोज पूछता हूँ। बाकी ये इस तरह करें, मेरा ख्याल है IS-1037 का ना वैसे ही पेज नंबर 110 एक एक सवाल रखें। टेस्ट किसने देना वो भी इसका, तो ठीक है अच्छी बात रख लेते हैं, लेकिन इस वीक कम से कम एक एक दो दो सवाल करके कुछ ना कुछ रिफाइन रखना, इसका सवाल पढ़ के इसका जवाब पढ़ते रह गए ना चाहते हुए, लेकिन ये जरूरी है, हमारी कोई चॉइस नहीं कि पेपर में क्या आना है और हमने कहाँ से नंबर लेने, ये भी हमारी चॉइस नहीं है। मैं कंसोलिडेशन में से पूरे ले लूंगा, इस ख्वाहिश को खत्म कर दीजिएगा, पता तो नहीं वो कैसा सवाल आना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से बहरहाल मेन दो चीजें ये हैं, लेकिन वो भी मेन ही है, आप काइंडली वो फिर बता दीजिएगा। इफ्रिक वन में क्या मसला कर लो ना, मैं तो उस दिन भी अदील कहा कर लो ना, नहीं करेंगे नहीं कर लो अभी, आज क्या मसरूफियत है FA2 के वाले से, नहीं अभी ये लीज के सवालों के बाद टाइम मिल जाएगा, छोटे छोटे सवाल कर लो हिम्मत थोड़ी। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स।